नमस्कार, मैं हूं अंजलि। चलिए बढ़ते हैं किसी बड़ी खबर की ओर। एक व्यक्ति, दो गंभीर अपराध, भाई की पत्नी से दुष्कर्म और बाप बेटी पर हमला, पुलिस जुटी मामले की जांच में। जांजगीर चांपा जिला के सूर्यनारायण थाना में एक व्यक्ति के खिलाफ दो गंभीर अपराध की शिकायत पहुंची। पहले बाप बेटी पर पुरानी रंजिश के चलते हमला करने का FIR दर्ज हुआ, फिर आरोपी के भाई की पत्नी ने थाने पहुंचकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार सूर्यनारायण थाना क्षेत्र के कचंदा गांव का रहने वाला भुवनेश्वर राय सागर अपनी बेटी उपासना राय सागर को रोहत कॉलेज परीक्षा दिलाने बाइक से लेकर जा रहा था। इसी दौरान गांव के ही श्याम सुंदर कश्यप ने पुरानी रंजिश के चलते दोनों को बीच रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज करते हुए डंडे से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों किसी तरह थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने धारा 341, 294, 506, 323 IPC के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की जांच प्रारंभ करने वाली थी। तभी आरोपी श्याम सुंदर कश्यप के भाई की पत्नी भी थाने पहुंची और अपने जेठ श्याम सुंदर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, साथ ही राज खोलने पर जान से मारने की धमकी देने की भी शिकायत की, जिस पर पुलिस धारा 376 दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गौरव राय सदर की रिपोर्ट। मेरा नाम उपासना कश्यप है और हम लोग कॉलेज जा रहे थे पेट्रिकल दिलाने। मैं कचंदा की रहने वाली हूँ। मतलब वो बीच रास्ता में श्याम सुंदर नाम का आदमी वो हम लोगों को बीच में रोक के हम लोगों को सीधा छड़ से मारने लगा और पत्थर से भी वो मारने का हमला किया और मेरे हाथ में भी चोट लगा है। नहीं, होने की धमकी दे रहा था, वो गाली दे रहा था। FIR दर्ज हुआ है सर। भुवनेश्वर कश्यप, ग्राम कचंदा के निवासी हूँ। आज मोर गुड़िया कुमारी उपासना कश्यप के प्रैक्टिकल परीक्षा से रहोद में उड़ा छोड़े के नाम से घर से मैं 7:10 में निकले रहे। गांव से 1 किलोमीटर दूरी साजा खार के पास रोड ऊपर श्याम सुंदर हराइस और राड में मतलब रोक करके मतलब मारे के प्रयास करी। जान से तो मारे के राड में वार करी, चूँकि मोर गुड़िया साथ में भी रिसे बीच बचाव करें। ओकर बाद मोर दांत वगैरह सब टूट गए और थोड़ा पुलिस की जान सहित मारी है इसके ओकर लक्ष्य से। अब सरपंच के साथ मैं रहता हूँ एनी टाइम, सरपंच भतीजा है मेरा जो है, और वो जो है पंच जो है ये हैं, क्या बोलते हैं, पंचपति हैं। उनको खुन्ना से उसके दिमाग मेरे साथ चुनाव भी लड़े थे, वो जो है चुनाव जीता था, मैं चुनाव हार गया था। तो MLC के लिए भेजे थे डॉक्टर साहब लोग जो है, MLC हुआ है और दांत वगैरह टूट गया है, तो उसके लिए कल जांजगीर जाने के लिए बोले हैं। कचंदा निवासी श्याम सुंदर पिता राम किशन के द्वारा आज गांव से ही करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर भुवनेश्वर कश्यप अपनी लड़की को लेकर के राहत जा रहा था स्कूल। वहाँ जाते समय ये आरोपी श्याम सुंदर के द्वारा उसको रास्ता रोक करके उसका मारपीट किया गया पुराने रंजिश को लेकर के, जिसके कारण भुवनेश्वर को और उसकी बेटी को चोटें आई है, जिसका MLC कराने उपरांत भुवनेश्वर की रिपोर्ट पर आरोपी श्याम सुंदर के विरुद्ध FIR कर लिया गया है। इसके तुरंत बाद करीब 1 घंटे बाद ये श्याम सुंदर की छोटी भाई बहू वो आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो आज घर में अकेली थी और करीब 8:30 बजे के आसपास वो घर जा कर के इसके साथ मारपीट किया है, और ये भी बताई है कि उनके साथ जो है पूर्व में वो फोर्सली उसको उसके साथ सारी शाम बनाया है और उसके बाद किसी को बताने पर उसको जान से मारने की धमकी देते रहा है और उसी बहाने उसके साथ सारी शोषण उसका करता रहा है, और आज भी उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, इसी बात पे जो है उसको उस महिला को के साथ मारपीट किया है की रिपोर्ट पर भी आरोपी श्याम सुंदर के विरुद्ध धारा 376 के तहत रिपोर्ट दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की पतासाजी के लिए एक टीम रवाना की गई है। अभी तक पुलिस हिरासत में आरोपी नहीं आया है। दोनों ही के रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर लिया गया है, बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।